भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डी के शर्मा ने बीएसएल परियोजना सुंदरनगर का दौरा किया। इस दौरान सतलुज नदी पर सलापण में बने 990 मेगावाट विद्युत गृह डेहर का दौरा भी किया और पिछले 3 सालों से बंद पड़ी 5 नंबर टरबाइन का भी विधिवत ढंग से श्री गणेश किया और ऑफिसर क्लब सलापड़ परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर अध्यक्ष डी के शर्मा ने कहा कि डेहर पावर हाउस का टारगेट इस बार 100% उत्पादन के क्षेत्र में अग्रसर होना है, जो पहले लगभग 99% हुआ करता था। उन्होंने कहा कि नंगल के बाद सलापड़ को भी पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। इस दिशा में प्रबंधन प्रयासरत है और सुंदरनगर क्षेत्र में इस दिशा में कार्य भी किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए, ये सभी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने अपनी मांगों को लेकर उनसे मुलाकात की, लेकिन स्थानीय जनता की ओर से नेतृत्व कर रहे पीटीए के प्रधान देशराज शर्मा, हरिवर्मा सहित अन्य महिला सदस्यों ने बताया कि अध्यक्ष ने स्थानीय जनता व विस्थापितों और ओसडियों की मांगों को अनसुना कर दिया, जिस पर स्थानीय जनता प्रबंधन के खिलाफ काफी नाराज है।